अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने बात की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, और फिर शॉर्ट रन से रिलेटेड जो कॉस्ट होंगी दैट आर शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ द फर्म एंड ऑल द एक्सपेंडिचर्स that are relevant to long run time period that are known as long run costs of the firm. Short run और long run में difference factor production के fix और variable होने के मुताबिक है. Short run is such a time period in which at least one factor production is fixed are constant, generally capital. Long run is such a time period in which all the factor production are variable. अब variables के short run, variable के fix और variable होने का मतलब क्या है? तो हमने previous session में ये बात की है कि जब तक आप एक factor production में जो adjustment है उसके units एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है वो जब तक आप गेन नहीं कर लेते तब तक वो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट रन है. जैसे हमने ये कहा कि फर्म अगर प्लांट साइज को कम या ज्यादा करना चाहती है तो उसके लिए सर्टन टाइम पीरियड आपको रिक्वायर्ड होगा जिसमें वो सारी फॉर्मेलिटीज और प्रोसेसेस प्रोसीजर्स आप कंप्लीट करेंगे, और जब आप प्लांट की साइज को चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, सो देन ऑल द वेरिएबल्स विल बिकम वेरिएबल. और लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें ऑल द वेरिएबल्स आर वेरिएबल, यानी जो फिक्स फैक्टर फिक्स वेरिएबल्स भी थे, फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन था उसको भी आपने एडजस्ट कर लिया है अपनी नीड या डिमांड के मुताबिक. सो एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन कॉस्ट. सो हमें पता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं फर्म की या जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. सो टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, वेयर क्यू इज आउटपुट, वेयर क्यू इज प्रोडक्शन लेवल. सो फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म जो है वो 500 पेयर ऑफ शूज तैयार करती है तो उस पे एक्सपेंडिचर का और लेवल होगा. अगर जो है वो प्रोडक्शन 200 पेयर ऑफ शूज है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500 के मुकाबले में लेस होगी. और अगर जो है वो सर्विस शूज की प्रोडक्शन जो है वो 1000 पेयर ऑफ शूज तक बढ़ाना चाह रही है या प्रोड्यूस करना चाह रही है तो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज्यादा एक्सपेंडिचर है वो बेयर करने पड़ेंगे. सो अभी हमने शॉर्ट रन को डिफाइन किया कि शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें एक फैक्टर प्रोडक्शन जनरली कैपिटल जो है वो फिक्स होता है. सो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टू फैक्टर प्रोडक्शन, वन इज कैपिटल एंड अदर इज लेबर, एंड के नॉट जो है दैट शोज दैट कैपिटल इज फिक्स्ड इन शॉर्ट रन. जब ये फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन भी वेरिएबल हो जाएगा, यानी इसको जितनी आपको कैपिटल के यूनिट्स चाहिए होंगे वो जब आप उतने उनको एडजस्ट करने के काबिल हो जाएंगे, उतने हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, देन आप इसका नॉट जो है उसको हटा देंगे, देन वी विल बी इन लॉन्ग रन. एंड उस वक्त हम लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ जस्ट कैपिटल एंड लेबर. सो जो टोटल कॉस्ट है वो डिपेंड करती है आउटपुट पे, और जो आउटपुट है उसको आप प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, इनके कॉम्बिनेशन यूज करके. हम अज्यूम कर रहे हैं कि ओनली टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल एंड लेबर आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस
certain level of a good or service, और जो वो production का level है that is represented by Q और TC is total cost. So total cost depends on level of output of the good or service. और फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं equation 6.2 में कि shorten cost of production depends on two factor production. One is fixed and other is variable. So capital is generally assumed to be fixed in short run. Other variable is labor. Labor is a variable. इसका मतलब ये है कि हम fixed factor production capital के साथ labor के different units को combination में use करके goods and services की production को प्रोडक्शन ले सकते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओ, इसका ये भी मतलब है कि जो फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन है कैपिटल, उसमें हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो लेबर के यूज करेंगे, कंबाइंड करेंगे, टू फैक्टर प्रोडक्शन को यूज करते हुए हम आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. तो आपको ये भी पता है कि जो टोटल कास्ट है, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोटल कास्ट, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कास्ट. ऑन वन साइड जो एक्सपेंडिचर हैं दैट आर फिक्स्ड, जिनको जो है वो हम फिक्स्ड कास्ट कहेंगे, फिक्स्ड कास्ट इज डिनोटेड बाय एफसी. और दूसरी साइड पे कुछ एक्सपेंडिचर जो है वो वेरिएबल होते हैं, जिनको हम वेरिएबल कास्ट कहेंगे. अच्छा, फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट का जो सम है दैट इज टोटल कास्ट. सो वी कैन राइट टोटल कास्ट इज इक्वल टू एफसी प्लस वीसी, वेयर टोटल कास्ट टीसी इज इक्वल टू एफसी फिक्स्ड कास्ट, वीसी वेरिएबल कास्ट. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फिक्स्ड कास्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल कास्ट. तो उसका आंसर ये है कि देखें, कुछ एक्सपेंडिचर्स का ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ होता है कि प्रोडक्शन हो रही हो तो वो एक्सपेंडिचर आपको बेयर करने पड़ते हैं, अगर प्रोडक्शन नहीं है तो वो एक्सपेंडिचर बेयर नहीं करने पड़ते. और फिर इस बात पे भी, अगर प्रोडक्शन कम है तो वो एक्सपेंडिचर कम होंगे, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे. तो ये जो एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं दैट इज वेरिएबल कास्ट, दैट आर वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स. ऑन द अदर साइड कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं फर्म के, सेलर के या प्रोड्यूसर के, जो उसे हर हाल में बेयर करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी शॉप्स हैं वो बंद पड़ी हैं, वो सारी शॉप्स जिन लोगों ने उनको रेंट पे लिया हुआ था, तो वो उनकी चूंकि शॉप्स बंद हैं थ्योरेटिकली, हम अभी वेरी लॉकडाउन के टाइम में हम अज्यूम कर रहे हैं कि शुरू के टाइम में जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, कंप्लीट सिचुएशन थी, तो तब तो सारी की सारी बंद थी. फिर ग्रेजुअली जो है वो लॉकडाउन कुछ नरम हुआ, कुछ शॉप्स को, कुछ बिजनेसेस को, कुछ कैटेगरीज की शॉप्स को गवर्नमेंट ने जो है वो इजाज़त दी है कि वो 9 बजे सुबह से 5 बजे तक हैं, या कुछ इवन उसके बाद भी ओपन रह सकती हैं. तो एनीवेज, जब तक शॉप्स बंद हैं किसी भी वजह से, तो उन शॉप्स का जो रेंट है वो फर्म को जो है वो बेयर करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी शॉप खुलती है या नहीं खुलती. जो मालिक है उसका इस बात से गर्व नहीं है कि आपने शॉप खोली या नहीं खोली, आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा, उसे अपने किराए से गर्व है. सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स, फिक्स्ड कॉस्ट. सिमिलरली, इन दिनों में जो आपके टेलीफोन कनेक्शन है, अगर आपकी शॉप बंद रहती है तो उसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा लाइक लाइन रेंट, जो आपको हर सूरत में जो है वो बेयर करना पड़ेगा. या आप कह लें कि जो बिजली आपकी शॉप में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हुई, तो फिर भी आपको बिल आएगा, वो बिल जीरो नहीं होगा. क्यों? उसमें
कुछ चार्जेस वैसे होंगे वो फिक्स हैं, वो आपको हर सूरत में पे करने पड़ेंगे। और कुछ भी ना हुआ तो वो उसमें जो टीवी वाली फीस है 35 रुपये जो कभी थी अभी आजकल तो जिसकी जो भी अमाउंट है वो तो ज़रूरी उसमें होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। सिमिलरली जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं फर्म के, उनकी सैलरी फिक्स कास्ट में आती हैं, क्योंकि काम हो या ना हो, आप कि प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो, उनको आपने फिक्स सैलरी जो है वो पे करनी करनी है, क्योंकि वो आपकी परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको आपको पे करना पड़ेगा। तो ये भी फिक्स कास्ट है। वेरिएबल कास्ट कौन सी है? जो पार्ट टाइम या जो सीजनल लेबर है, जिनकी जब आपकी ज़रूरत होगी आप उनको हायर करेंगे, जब ज़रूरत नहीं है उनको घर भेज देंगे। सिमिलरली आपका प्लांट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या गैस पे है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा गैस यूज़ करनी पड़ेगी, कम प्रोडक्शन के लिए कम यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो वेरिएबल कास्ट की कैटेगरी में आएगा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह की कास्ट का प्रोडक्शन है, एक फिक्स कास्ट है और एक वेरिएबल कास्ट है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कास्ट इज सम ऑफ टू टाइप्स ऑफ कास्ट, टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। ऑन वन साइड एक्सपेंडिचर्स ऑन हायरिंग कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर्स ऑन हायरिंग लेबर। पी के इज प्राइस ऑफ कैपिटल, पर यूनिट प्राइस ऑफ कैपिटल, एंड के नॉट इज फिक्स लेवल ऑफ कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दीज विल बी एक्सपेंडिचर्स ऑन कैपिटल, फर्स्ट फिक्स वेक्टर प्रोडक्शन। सिमिलरली पी एल इज प्राइस ऑफ लेबर, पर यूनिट प्राइस, और एल इज टोटल यूनिट्स ऑफ लेबर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। सो पी एल मल्टीप्लाइड बाई यूनिट ऑफ लेबर, तो दिस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर्स ऑन हायरिंग टोटल यूनिट्स ऑफ लेबर। तो टोटल कास्ट जो है वो टू फैक्टर प्रोडक्शन पे आने वाली कास्ट का सम है, या हम कह सकते हैं कि टोटल कास्ट इज इक्वल टू फिक्स कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट। वो एक और डेफिनेशन के हवाले से है, यहाँ से फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट नहीं निकल रही, यहाँ से सिर्फ टोटल कास्ट, सॉरी टोटल कास्ट की जो बात 6.3 में हो रही है उसका कंटेक्स्ट ये है कि फर्म इज यूजिंग टू फैक्टर प्रोडक्शन। वन फैक्टर प्रोडक्शन कैपिटल इज फिक्स्ड, अदर फैक्टर प्रोडक्शन इज लेबर। सो ऑल एक्सपेंडिचर्स ऑन यूजिंग दीज टू फैक्टर प्रोडक्शन आर इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर्स। तो ये जो हम टोटल कास्ट की, फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वो ये है कि कुछ जो एक्सपेंडिचर हैं वो फर्म को हर सूरत में बेयर करने पड़ते हैं, चाहे बिजनेस हो या ना हो, प्रोडक्शन हो या ना हो, तभी आप उनको बेयर करेंगे, दैट इज फिक्स कास्ट। तो वो कौन कौन सी होती हैं? हमने बात की कि परमानेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज, बिल्डिंग का, शॉप का रेंट, इसी तरह यूटिलिटी बिल्स में जो फिक्स पार्ट होता है जो आपको हर सूरत में, इवन आप उस चीज को यूज ना भी करें तब भी आपको वो पे करना पड़ेगा, जैसे टेलीफोन का एक मिनिमम बिल होता है, शायद गैस और बिजली में भी हो, और इस तरह की जो एक्सपेंडिचर आप जो फिक्स्ड हैं जिनका प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक नहीं। दूसरी साइड पे वेरिएबल कास्ट है जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है, प्रोडक्शन करेंगे तो वो आपको बेयर करने पड़ेंगे, कम करेंगे तो कम होंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर होंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम वेरिएबल एक्सपेंडिचर, वेरिएबल कास्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन हायरिंग सीजनल और पार्ट टाइम लेबर, एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिसिटी के, जो गैस के या टेलीफोन के, जिनका ताल्लुक इस बात के साथ है कि आपने उनको कितना इस्तेमाल किया, ये वेरिएबल हैं। सिमिलरली रॉ मटेरियल पे एक्सपेंडिचर्स हैं, एडवर्टाइजिंग पे हैं, आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उस पर एक्सपेंडिचर होंगे, एडवर्टाइजिंग नहीं करते तो नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टेशन पे कास्ट है, वो प्रोडक्शन हो रही होगी तो ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है।
फैक्ट्री बंद पड़ी है तो वो नहीं है। इस तरह की एक्सपेंडिचर जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है, जो प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, प्रोडक्शन कम होगी तो एक्सपेंडिचर कम होगी, उनको हम फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट कहते हैं। तो हम इस डिस्कशन को कमिंग लेक्चर्स में कंटिन्यू रखेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ